प्रभात, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आप जहाँ पर हो सुरक्षित हो, इसी कामना के साथ आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ एक वह चिड़िया जो पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह पाठ एक संतोषी चिड़िया के विषय में है। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1911 में बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। इसमें केदारनाथ जी एक संतोषी चिड़िया के बारे में बता रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को भी इसी संतोषी चिड़िया की भांति बनना चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यह एक नीले पंखों वाली चिड़िया है और यह बहुत संतोषी है। वह अनाज खाना पसंद करती है। और बच्चों, वो कैसा अनाज खाना पसंद करती है? किस तरह का अनाज खाना पसंद करती है? जो दूध से भरे हुए, यानी कि जब गेहूं की बालियां खेतों में लगती हैं, उन कच्ची बालियों को खाना पसंद करती है। और थोड़े से दाने को खाकर यह चिड़िया संतुष्ट हो जाती है। इस नीली चिड़िया के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को भी थोड़े में ही संतोष कर लेना चाहिए। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। जो छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है, वह जंगल में रहना पसंद करती है और जंगल को बूढ़े वन बाबा कहकर कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि वह बहुत घना है और बहुत पुराना है। उसके अंदर एकांत में चिड़िया गाना गाना पसंद करती है। वह अपने कंठ से पूरे रस को उड़ेलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर गीत गाना पसंद करती है और इससे वह खुश हो जाती है। इसके माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को भी जीवन में सभी से मधुर वाणी बोलनी चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया निडर है, वह कहती है मैं चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी जब नदी उफान खाकर बहती है और उसमें से जो लहरें निकलती हैं, मैं उनमें बीच में जाकर अपनी चोंच में जल की बूंदें भरकर अपनी प्यास को बुझा लेती हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमें भी चिड़िया की भांति निडर बनना चाहिए और अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी पद समझ आ गए होंगे। आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आपसे फिर मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।